डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने टोंक में ट्रैक्टर चालक की संदिग्ध अवस्था में मौत के बाद से चल रहे आंदोलन को खत्म करवाया। पायलट ने विधायक हरीश मीणा से वार्ता कर यह भी बताया कि सरकार ने आपके द्वारा की जा रही सभी मांगों पर सहमति दे दी है, इसलिए आपको मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर उसका अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। इस दौरान उनके साथ विधायक मुरारी मीणा, विधायक प्रशांत बैरवा भी मौजूद रहे। बता दें कि एक दिन पूर्व खाद्य मंत्री रमेश मीणा ने भी सरकार की ओर से ये भरोसा दिलाते हुए हरीश मीणा का अनशन तुड़वाया था, लेकिन फिर भी मंगलवार को हरीश मीणा सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए धरने पर बैठ गए। इस पर सचिन पायलट को मौके पर जाना पड़ा और आंदोलन को खत्म करवाना पड़ा। इसके बाद ही मृतक के शव का अंतिम संस्कार हो सका। अगर विश्वास नहीं होगा, अगर भरोसा नहीं होगा, और भरोसा बनाने का काम आपका नहीं है, विश्वास कायम करने का काम जनता का नहीं होता, हम लोगों का होता है जो जनप्रतिनिधि। ये हमारी जिम्मेदारी है कि कानून की पालना हो, प्रशासन अधिकारी सरकार में आपका विश्वास हो, और कहीं पर अगर संदेह हो, और इसीलिए हम सब लोग अंदर बैठे हुए थे कि आपको लगना चाहिए कि जिम्मेदार लोगों ने आप लोगों के साथ विश्वास किया है। आपको धोखे में रखकर, आंखों में धूल झोंक कर, झूठ सच बताकर अगर कोई रास्ता बनाने की कोशिश करेगा तो कम से कम मैं तो बर्दाश्त करने वाला हूं नहीं इस बात को।